जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन चुपचाप माँ दुर्गा का नाम लेते हुए पान के पत्ते से करें एक आसान सा अचूक उपाय, फिर देखना कैसे माँ दुर्गा आपकी सभी समस्याओं का संपूर्ण रूप से अंत कर देती है। दोस्तों नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है, ऐसे में हर कोई माँ दुर्गा की कृपा पाना चाहता है, पर आज के समय में कई ऐसे लोग हैं जो अपनी समस्याओं से परेशान हैं पर उनका निवारण नहीं जानते हैं। इसलिए आज हम आपको गुरुजी द्वारा बताए गए एक पान के पत्ते का ऐसा असरदार उपाय बताने जा रहे हैं जिसको अगर आप इस शारदीय नवरात्रि में किसी भी समय कर लेते हैं तो माँ दुर्गा आपसे खुश हो जाएगी और आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपके घर से तुरंत ही हर प्रकार की गरीबी, हर प्रकार की समस्याओं का नाश हो जाएगा। दोस्तों ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए क्योंकि यही एकमात्र ऐसा उपाय है जो कि आपको जल्दी से जल्दी धनवान और मालामाल बना सकता है। इसलिए इस आसान से असरदार उपाय को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों अगर आप भी अपने जीवन में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक शुभ मंगल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हिंदू धर्म ग्रंथों में पान के पत्ते का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, खासकर स्कंद पुराण में इसे तांबूल पत्र के रूप में उल्लेखित किया गया है। मान्यता के अनुसार पान के पत्ते का प्रयोग समुद्र मंथन के समय भी किया गया था। लगभग हर तरह की पूजा अनुष्ठान में पान के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए पान के पत्ते का प्रयोग करना शुभ कारक माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लेखित है कि पान के पत्तों में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए घर के पूजा स्थल में नियमित रूप से पान का इस्तेमाल करना चाहिए। पूरे घर की नकारात्मक ऊर्जा का इससे नाश होता है, सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। नवरात्रि में पान के पत्ते से विशेष रूप से पूजा की जाती है। पान के पत्ते के फायदे भी कई हैं। पान का पत्ता पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। पान के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं पान का इस्तेमाल परेशानियों को दूर करने के लिए भी किया जा सकता है। पान के अंदर अनगिनत चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं। बड़ी से बड़ी सिद्धि इससे प्राप्त हो सकती है, बड़ी से बड़ी मनोकामना की पूर्ति इससे हो सकती है। पुत्र प्राप्ति की कामना हो, धन अभिषेक, समस्या से निजात पाना चाहते हो, नौकरी व्यापार में आ रही अड़चने दूर करनी हो, पान के उपाय करके आप जीवन की हर मुश्किल आसान कर सकते हैं। इसे साधारण बिल्कुल मत समझना। आज हम जो भी उपाय बताएंगे सारे पान से संबंधित हैं, जो अलग अलग कामना पूर्ति हेतु आप इस नवरात्रि में कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों ध्यान रहे पान का पत्ता जो आप उपाय में इस्तेमाल करेंगे वो कटा फटा नहीं होना चाहिए। पान का पत्ता पूरा होना चाहिए, उसमें डंठल यानी डंडी लगी होनी चाहिए। आपको शुद्ध साबुत पान का पत्ता इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों अगर आप रोजगार विषयक समस्या से जूझ रहे हैं, नौकरी में परेशान हैं, व्यापार बंद होने की कगार पर है, क्या किया जाए समझ नहीं आ रहा, तो इन मुश्किलों को दूर करने के लिए 27 साबुत पान के पत्ते लें। इन पत्तों को थोड़ी थोड़ी दूरी पर जोड़कर एक माला बनाएं। इसमें केवल लाल धागे का प्रयोग करें। आप मौली से ये माला बना सकते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो 27 पान के पत्ते की माला नवरात्रि में घर के मंदिर में देवी माँ को अर्पित करें, और अगर आप महिला हैं तो ये माला देवी माँ को पहना दें, फिर हाथ जोड़कर देवी माँ से रोजगार में आ रही अड़चने दूर करने की प्रार्थना करें। इस पान के पत्ते की माला को 2 महीने तक माता के गले में रहने दें, आपकी समस्याओं का समाधान 2 महीने के अंदर हो जाएगा। उसके बाद इस माला को जल में प्रवाहित कर दें। दोस्तों हम हर दिन पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं विशेष कामना के लिए, बताए गए कुछ खास मंत्र भी जपते हैं, लेकिन कभी कभी उनमें हमें अपेक्षा अनुसार लाभ नहीं मिलता है। आवश्यकता होती है उस मंत्र को सिद्ध करने की। सिद्ध किया हुआ मंत्र शीघ्र फलदायी होता है। किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए एक पान का पत्ता लें, उसे अच्छी तरह से धो लें। पान के पत्ते का जो निचला हिस्सा होता है उसमें आपको शहद लगाना है। इसके बाद आप जो भी मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं उसे बोलते हुए 9 दिनों तक ऐसे पान के पत्ते को दुर्गा माता को चढ़ाना है। देवी माँ को सिद्धिदात्री कहा जाता है। उनमें हर मंत्र को सिद्ध करने की शक्ति होती है, हर सिद्धि दिलाने की एक क्षमता होती है। इन 9 दिनों में वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। आप ये उपाय 3 दिन करते हैं तो भी काफी है, मंत्र सिद्ध हो जाएगा।
लेकिन अगर आपको जल्दी प्रभाव चाहिए तो 9 दिनों तक ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। जो भी मंत्र जाप आप करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा और अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। दोस्तों, अगर आपके घर परिवार में किसी की शादी नहीं हो रही है, विघ्न बाधाएं आ रही है, तो आप नवरात्रि में पान के पत्ते का प्रयोग करके शीघ्र विवाह के रास्ते बना सकते हैं। सबसे पहले साबुत डंडी वाला एक पान का पत्ता लें, सिंदूर और देसी घी को मिलाकर उसका घोल बना लें। पान के पत्ते के चिकने हिस्से पर पीड़ित का पूरा नाम लिखें। इसको माता के चरणों में रख दें और प्रार्थना करें कि आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए। ये प्रयोग नवरात्रि में लगातार 3 दिनों तक करें। नवरात्रि में रात की पूजा ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर आप रात के समय ये उपाय करेंगे तो ये शीघ्र लाभ दिलाएगा, विवाह का योग जल्दी से जल्दी बन जाएगा। अब एक उपाय मनोकामना की पूर्ति करने के लिए, ये बड़ा जबरदस्त फलदायी साबित होता है। आपको पान के पत्ते को पीस लेना है, उसका रस निकाल कर उससे भोज पत्र पर आपको मनोकामना लिखनी है। फिर उस भोज पत्र को नवरात्रि में माता रानी को चढ़ा दे। 30 दिनों के अंदर आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। एकदम प्रभावशाली उपाय है, ये अवश्य आजमा लें। दोस्तों, जिनका पुत्र नहीं है, जो पुत्र प्राप्ति की कामना रखते हैं, उनके लिए ये एक खास उपाय बताते हैं। एक पान का साबुत पत्ता लेकर उस पत्ते में गुड़ डालकर पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करते हुए गौ माता को खिला दे। इस उपाय से सुशील पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, धन की चाहत किसे नहीं होती, धन के बिना जीवन यापन संभव ही नहीं है, तो आकस्मिक धन कैसे प्राप्त किया जाए। दोस्तों, नवरात्रि में एक पान के पत्ते में शक्कर डालकर नव दुर्गा माता को भोग स्वरूप भेंट करें। इस उपाय से आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी, फिर वो किसी भी माध्यम से आए, अनपेक्षित स्रोत भी मिल सकता है, लेकिन कितना हो वो आपके कर्म पर निर्भर करता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको अपार धन भी मिल सकता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मकता बढ़ गई है, लगता है कि बुरी शक्तियों के कारण आपके कार्य में विघ्न बाधाएं आ रही हैं, या शक है कि किसी के टोने टोटके किए कराए के कारण आप समस्याओं से घिरे रहते हैं, तो इससे निजात पाने के लिए नवरात्रि में एक पान का साबुत पत्ता लेकर उस पर एक बताशा रखें और माता रानी के बीज मंत्र का जाप करते हुए उस पत्ते को आपको आग में जला देना है। गोबर का कंडा जलाकर उस पर ये पान बताशे सहित डाल दें। आपको जो मंत्र बोलना है वो है ह्रीम। ये मंत्र आपको 21 बार बोलना है। ऐसे अगर आप पान के पत्ते को आग में जला देते हैं तो आपके घर में जो नकारात्मक शक्ति है वो ये बताशा खींच लेगा और आग उसे भस्म कर देगी। आपके घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करेगी। जिसने भी आप पर टोना टोटका किया है उसे खुद ब खुद उसका फल मिल जाएगा। दोस्तों, अगर बहुत जरूरी काम में रुकावटें आ रही हो तो रविवार के दिन पान का पत्ता लेकर घर से बाहर निकले। मान्यता है कि ऐसा करने से रुके हुए काम जल्दी होने लगते हैं। दोस्तों, पान के पत्ते के ये सारे उपाय बहुत ही असरकारी हैं और शीघ्र फल देने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय माता दी।